यूपी के रामपुर में महिला दरोगा की सूझबूझ से एक बड़ी वारदात होने से टल गई। दरअसल यहां कचहरी परिसर के बाहर दो युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। युवक ऐसी हरकतें कर रहे थे मानो वह कुछ करने की फिराक में थे। पुख्ता सूचना के बाद मौके पर पहुंची महिला दरोगा ने युवकों के इरादों को भांपते हुए उनकी घेराबंदी कर उनको धर दबोचा। दबोचे गए युवकों के कब्जे से दो तमंचे और तकरीबन एक दर्जन कारतूस भी बरामद हुए हैं। दरोगा की इस जाबाजी पर लोगों ने इन्हें लेडी सिंघम कहना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस कप्तान ने भी महिला की बहादुरी को देखते हुए उनकी प्रशंसा की है और उन्हें बधाई भी दी है। रामपुर के कचहरी परिसर में पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। यहां असलहों से लैस दो युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर किसी ने तेज तर्रार कचहरी चौकी इंचार्ज अनुपमा त्यागी नाम की महिला दरोगा को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही महिला दरोगा ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को दबोच लिया। महिला दरोगा की इस बहादुरी से एक वारदात होने से टल गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान टांडा लालपुर के राहत अली और वसीम अहमद के रूप में हुई है। दोनों युवकों के कब्जे से पुलिस को दो अवैध असलहों के साथ ही 10 कारतूस भी बरामद हुए हैं। महिला दरोगा की इस बहादुरी के बाद जनपद के लोगों ने उन्हें लेडी सिंघम कहना शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रदेश के कई कोर्ट के आसपास तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर रामपुर के पुलिस कप्तान ने कचहरी परिसर की सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। इसके अलावा खुद अधिवक्ताओं ने पुलिस कप्तान से कचहरी की सुरक्षा में तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की थी। अधिवक्ताओं की मांग को देखते हुए पुलिस अधिकारी ने कचहरी परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला दरोगा अनुपमा त्यागी को दी थी। इनकी तैनाती के बाद ही कचहरी के आसपास बदमाश जाने से कतराने लगे थे। तैनाती के बाद से अनुपमा त्यागी ने खुद यहां पर अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया था कि गलत नियत से आने वाला कोई भी व्यक्ति उनकी पैनी नजर से बच नहीं पाता था। न्यायालय सुरक्षा में लगी पुलिस फोर्स के द्वारा दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो कि संदिग्ध रूप से बाइक पर जा रहे थे। तत्काल उनको रोका गया। जब बाइक नहीं रोकी तो दौड़ के जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर है उसने उनको पकड़ा है, उनकी टीम ने पकड़ा है। उनके पास से दो तमंचे बरामद हुए हैं। ये पुलिस का एक गुड वर्क है कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना कार्य निभाया है, तो उनको इनाम हमारे द्वारा दिया जा रहा है। बाकी जो शेष विधिक प्रक्रिया उसको पूछताछ जारी है। जनमत न्यूज के लिए रामपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।